see students, this is a simple topic on motion based upon the NCERT level. In everyday life, the object changes its position with respect to each other. If you are sitting in a car and your car is moving, when you will say the car is moving, when you look outside of the window pane of the car. If you are within the car and you are not able to feel the motion of the car, and car is totally a closed box like, you will not realize that car is moving. आप एक कार में बैठे हो. According to you, car is in motion only when रुकी हुई चीजें पीछे जाती दिखाई दें, तो तभी हम उसको मोशन में बोलेंगे ना. हम कार को मोशन में कब बोलेंगे? जब रुकी हुई चीजें पीछे जाती दिखाई दे. खंबा चल पीछे, खड़ा ट्रक चल पीछे, हम बोलेंगे कार मोशन में है. सो बर्ड्स जब फ्लाई करते हैं, हमसे दूर जाते हैं, या मछली पानी में स्विम करती है, हमसे दूर जाती है, या वाटर फ्लो हो रहा है, हमसे दूर जा रहा है, तो हमें उसकी मोशन का एहसास होता है. हमें मोशन का एहसास कब होता है? When we realize the motion, when the system is moving. When the system is moving, yes, जब system move करता है, तो हम बोलते हैं कि हम motion में हैं. जैसे आप walk करते हो, और जो इंसान आपको garden में आप walk कर रहे हो, और कोई एक आपको गार्डन में ऑब्जर्व कर रहा है, तो बंदा बोलेगा बड़ा फास्ट वॉक कर रहा है ये बच्चा. The child is almost running. And another child is almost walking. Not fast. How do we get the feeling of fast or slow? हमें कैसे एहसास होगा कि वो बच्चा फास्ट है या स्लो है? जो उसकी पोजीशन चेंजिंग है ना विद रिस्पेक्ट टू अस, वो अगर क्विकर है, वो अगर फास्ट है, तो हम बोलेंगे कि ये मोशन में है, फास्ट मोशन में है. अगर पोजीशन चेंजिंग With respect to us, slow है, हम बोलेंगे धीरे धीरे चल रहा है. अगर position changing with respect to us है ही नहीं, हम बोलेंगे rest पे. Is it clear to my students? बोलो. Yes sir. तो position changing जो है, that will determine, the position changing will determine the speed, the fast or
स्लो कॉन्सेप्ट. सो पोजीशन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर with respect to an observer. So dear students, आप जब कार में बैठे हो तो आप कौन हो? ऑब्जर्वर हो. जो रोड साइड पे लेफ्ट राइट में लोग बैठे हैं, पेड़ हैं, खंबे हैं, घर है, वो कौन है? ऑब्जेक्ट्स. तो आप उसके विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज कर रहे हो तो आपको महसूस होगा दैट यू आर इन मोशन. एनी क्वेश्चन? अब ये जो मोशन है वो क्या है? अभी आपने नोट नहीं करना है, मैं आपको इस लेक्चर का वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा लेक्चर के बाद, ठीक है? इज इट गुड? यस सर. और ये आपका आवाज भी आएगा उस वीडियो में, चलेगा? ओके. सो जब आप विद रिस्पेक्ट टू यू अपना पोजीशन चेंज करोगे, विद रिस्पेक्ट टू सॉरी एन ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करोगे तो आप किस में आ जाओगे? मोशन में आ जाओगे. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी मूविंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ओनली इफ इट इज चेंजिंग द पोजीशन, ओनली इफ इट इज चेंजिंग द पोजीशन. मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं? कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन. अब ये भी कोई जरूरी नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो दूसरे को भी मोशन में ही देखे. फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त एक गाड़ी में बैठे, जब दो दोस्त एक गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी बड़ी फास्ट जा रही है लेकिन दोनों दोस्त उसी गाड़ी में आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वो आपस में तो रेस्ट पे है ना, लेकिन गाड़ी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ट्री, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, क्या है? मोशन में है. सो मोशन और रेस्ट कुछ भी नहीं होता. आप बोलोगे सर क्या होता फिर? ये रिलेटिव टर्म है. क्या है? मोशन एंड रेस्ट दे आर रिलेटिव टर्म्स. तो ए बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू दी सराउंडिंग. कोई भी बॉडी मोशन में हो सकती है अगर ये कॉन्टिन्यूसली चेंज करे इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. इज इट क्लियर? हमारे मन में क्वेश्चन आएगा
उसकी सराउंडिंग क्या होती है, ठीक है ना? हमारे मन में क्वेश्चन आएगा ये सराउंडिंग क्या होती है, फिर हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि सिस्टम क्या होता है। तो मैं आपको सराउंडिंग एंड सिस्टम के बारे में थोड़ा पहले एक्सप्लेन करूंगा, ओके? सो इन द नेक्स्ट टॉपिक सिस्टम एंड सराउंडिंग, राइट डाउन।